नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। हमारे खास कार्यक्रम सुनिए नेताजी में हम पहुंच गए हैं मल्हनी विधानसभा में, और देखिए चाय भी गर्म है और यहां पे चाट भी गर्म है और चुनावी माहौल है और माहौल भी गर्म है। हम यहां की आवाम से, यहां की जनता से जो है जानेंगे कि यहां की जनता का क्या मूड है इस बार, क्योंकि मल्हनी से पूर्व सांसद धनंजय सिंह वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं JDU के टिकट पे। वहीं दूसरी तरफ सपा ने पारसनाथ यादव, जो स्वर्गीय पारसनाथ यादव उनके बेटे लकी यादव को फिर से जो है चुनावी मैदान में उतारा है। उपचुनाव में जो है लकी यादव ने जीत दर्ज की थी। इस बार मल्हनी की जनता क्या चाहती है, विकास कार्य हुए कि नहीं, किसे चुनना चाहती है, इसको बात करेंगे। सबसे पहले भाई साहब, क्या नाम है आपका? बृजेश कुमार पटेल। बृजेश जी, ये बताइए क्या इस बार मल्हनी में क्या बात? धनंजय सिंह क्यों? अरे लकी भैया थे सपा के, उनके पिताजी भी थे, कार्य विकास के कार्य हुए हैं, कब कह रहे हैं कितना कार्य हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ कार्य नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। गजगांव धनंजय सिंह को क्यों चुनना चाहते हैं? अरे धनंजय सिंह गरीबों में आते हैं, कुछ भी मांगो मिलता है, और क्या, गरीबों के मसीहा। हाँ, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो कितनी समस्याएं यहाँ पे हैं आप लोगों को? क्या दिक्कत हम लोगों की क्या है उसमें? बस हम लोग धनंजय सिंह से, बस और कुछ नहीं। धनंजय सिंह, और कुछ लोग हम इनसे बात करेंगे। चाचा, आप मल्हनी क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस बार क्या लग रहा है कौन जीतेगा आपके क्षेत्र से? हमारे समझ में आवा था धनंजय जीतल हैं तो धनंजय रही है ना? नहीं, पिछली बार तो लकी यादव जो चुनाव जीते थे, लकी जीते थे, इस बार लकी और धनंजय दोनों लोग हैं आमने सामने। बीजेपी भी है, बीजेपी प्रदेश में सरकार है, कह रही है बीजेपी के विकास के कार्य हो रहे हैं, KP सिंह को उतारा है पूर्व सांसद को। मानते जीते वाली बात ना हुए, बाकी हम सभी जहां अगर कोनो चीज परल हुई तो उन मदद करे हैं धनंजय सिंह मदद किए आप लोग, इसलिए उन्हीं को वोट करेंगे। बिल्कुल, कमरा ले। और कुछ क्या कह रहे हैं? अगर लेवे को बस ले ले, हमारा नंगा तो टूटिए है। अच्छा अच्छा, ठीक दादा, आप बताइए इस बार मल्हनी का क्या रुख है, कौन जीतेगा लगता है? हम सब कुछ हम अच्छा कुछ नहीं बताएंगे आप, कुछ नहीं बताया। और कुछ लोग दुकान के अंदर हैं, हम इधर भी चलेंगे और इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आपका क्या नाम है? जंग बहादुर पटेल। जंग बहादुर जी, बताइए मल्हनी में इस बार कौन जीत रहा है, क्या? इस बार हमारे यहाँ तो धनंजय जीत रहे हैं। धनंजय सिंह उपचुनाव में तो हार गए थे। हार गए तो अगली बार जीतेंगे ना, फिर इस बार जीतेंगे। अच्छा, क्या कारण है कि धनंजय सिंह को चुनना चाहते हैं आप लोग, क्यों? किसी कार्य के लिए जाते हैं, सुनते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम लोग गरीब आदमी है ना, बड़बना ही नहीं है, हर वर्ग से मिलते हैं। बिल्कुल, सबसे मिलते हैं। अच्छा, पारसनाथ यादव जी यहाँ से रह चुके थे, उनके बेटे लकी भी बने, कोई विकास कार्य नहीं हुआ क्या यहाँ? पारसनाथ तो यहाँ से सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अगर कभी उनकी गाड़ी यहाँ ब्रेक नहीं ली है, सीधा अपने बिरादरी में ब्रेक लेते थे, तो क्या जाने हम लोगों को। धनंजय सिंह आते हैं, रुकते हैं। धनंजय सिंह आते हैं, घर घर आते हैं, कोई दुख तकलीफ पड़ा उसमें भी आते हैं, तो हम लोग उन्हीं के साथ हैं। आप बताइए भैया, कौन जीत रहा है इस बार? धनंजय सिंह। बीजेपी की सरकार है, कह रहे हैं विकास के दावे हैं, पूर्व सांसद KP सिंह को मैदान में उतारे हैं, बीजेपी कमल कभी खिला भी नहीं, क्या लगता है इस बार भी नहीं होगा? नहीं नहीं, खिलेगा, लेकिन मल्हनी विधानसभा से सिर्फ धनंजय सिंह जीतेंगे। भाजपा की सरकार आएगी लेकर, अगर बीजेपी देगी तो बीजेपी का कमल खिलेगा, अन्यथा नहीं खिलेगा, यहाँ कभी नहीं खिलेगा। मतलब धनंजय को अगर टिकट मिलेगा तभी कमल, तभी कमल खिलेगा, नहीं तो नहीं खिलेगा, कभी नहीं खिलेगा, और नहीं खिला है। यहाँ देखिए, यहाँ सपा हर समय जीती है। उपचुनाव से ज़्यादा इस बार धनंजय सिंह का माहौल यहाँ पे बना है पूरे मल्हनी विधानसभा में। यादव बाहुल सीट कही जाती है, इसीलिए लकी यादव जीतते रहते हैं, यादव बाहुल है, तो क्या लगता है कि इस बार यादव भी वोट करेंगे धनंजय सिंह? नहीं, 20% कम से कम यादव उनको पसंद करते हैं, और इस बार उनको जिताएंगे भी, लकी को नहीं जिताएंगे। देखिए, ये लोग हैं, इनका कहना है कि इस बार धनंजय सिंह जो है वो जीत दर्ज करेंगे। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम इनसे भी बात करेंगे। भैया, भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार पटेल। आप प्याज काट रहे हैं, इस बार चुनाव में किसको काटने वाले हैं, कौन जीतने वाला है? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह जीतेंगे? क्या कारण है भैया धनंजय सिंह को चुन रहे हैं? धनंजय सिंह बहुत अच्छे नेता हैं, वो सबकी बात सुनते हैं बस, लक्की नहीं सुनते हैं। वो तो जीते फिर दिखाई नहीं दिए तो हम क्या बताएं। बीजेपी भी ठीक है, बीजेपी ठीक है, तो लेकिन मल्हनी में कभी कमल नहीं खिलाया आप लोगों ने, क्यों? भाई, यहाँ नेता जो अच्छे हैं उसी को जिताएंगे ना। धनंजय सिंह आप लोग की पहली पसंद है? हाँ।
बिल्कुल। तो देखिए यहाँ की आवाम है और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार मलनी की जनता ने मन बना लिया है और धनंजय सिंह को जो है लोग अपना विधायक बनाने वाले हैं। कैमरा पर्सन मसूद के साथ राजन मिश्रा, जौनपुर।